हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज है हमारे पास टाटा हैरियर डुअल टोन टॉप मॉडल ऑटोमेटिक, एंड इसका मैं करने वाला हूँ 1 लीटर डीजल टेस्ट। तो ये डीजल टेस्ट हम करने वाले हैं पूरा हाईवे पे। 80% हमारी हाईवे ड्राइव रहेगी विथ एसी, एंड जो स्पीड रहने वाली है वो हमें 70-90 के अप्रॉक्स रहने वाली है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज निकालने का कोशिश करने वाला हूँ उस वीडियो में आज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि कितना क्या डीजल बचा है इसमें। तो सबसे पहले गाड़ी चालू करना पड़ेगी। ये देखिए, इसमें रिफ्यूल साइन आ चुका है। तो जैसे ही डीजल पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं अपना ट्रिप मीटर जीरो करूंगा, एंड हम फिर आपको बताएंगे डीजल डाल के कि कितना एवरेज दिया गाड़ी ने। तो फाइनली डीजल खत्म हो गया है। अब मैं एक्सीलेटर दे रहा हूं तो कुछ भी नहीं आ रहा है। डिस्टेंस टू एम्प्टी पूरा एम्प्टी हो चुका है, एंड यहाँ पे आपका गाड़ी बंद होने के बाद इंजन वो वार्निंग साइन चालू हो गए हैं। तो गाड़ी में डीजल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, एंड जब रिफ्यूल साइन आया था उसके बाद से मेरी हाईवे पे गाड़ी चली है 90 किलोमीटर। तो अब मैं गाड़ी रोक के डीजल फुल फिल करता हूँ 1 लीटर, एंड देन हम टेस्ट करेंगे अपना 1 लीटर डीजल टेस्ट। मैं सेल्फ मार के ट्राई करता हूँ। ये देखिए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो चलिए हम टैंक खोलता हूँ मैं इसका। ये खोल गया मैंने, ये खुल गया है। इस बॉटल में हमारे पास 1 लीटर डीजल है, तो वो हम इसमें डाल देंगे। फिर पूरा 1 लीटर डीजल मैंने इसमें फिल कर दिया है। चलिए अब मैं गाड़ी का ट्रिप मीटर जीरो करता हूँ ये टैंक लगाने के बाद, एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। 1 लीटर डीजल हमने इसमें डाल लिया है, एंड अब हम गाड़ी करेंगे स्टार्ट। तो गाड़ी हो गई स्टार्ट वापस 1 लीटर डीजल डालने के बाद। अब मैं इसका ट्रिप मीटर ज़ीरो कर दूंगा। तो ये इसका ट्रिप मीटर, मैं इसको कर देता हूँ रीसेट। ये हो गया हमारा ट्रिप मीटर रीसेट। इसमें एवरेज लेके 1 किलोमीटर वगैरह सब कुछ इसमें ज़ीरो हो गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी राइड, एंड मैं आपको बताता हूँ कितना एवरेज दिया इस गाड़ी ने। पूरा डीजल खत्म हो चुका है। अब गाड़ी कंप्लीटली रुक चुकी है, एंड जो फाइनल रीडिंग आप देखेंगे वो 17.5 किलोमीटर की। MID में हमको जो एवरेज दिखाया है वो 18.5 है। तो रियल में और MID में जो डिफरेंस है वो 1 किलोमीटर का था। टोटल टाइम जो हमको लगा वो 17 मिनट लगे हैं, एंड जो एवरेज स्पीड हमारी रही है वो 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमने पूरे टाइम इसको इकोनॉमी मोड में रखा था, तो उसके हिसाब से हमको इतना एवरेज मिला। किसी और गाड़ी का आप टेस्ट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। Thank you for watching.